नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? यानी कि 23 तारीख को कौन सा वार है? रविवार है। उसके 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार हुआ, ये बताना है। यानी कि 23 तारीख को क्या वार है? रविवार है। यानी कि रविवार है। उसके 1 सप्ताह पहले कौन सा वार हो जाएगा? वह भी रविवार हो जाएगा। 2 सप्ताह पहले कौन सा वार होगा? वह भी रविवार हो जाएगा। और उस रविवार के 1 दिन पहले तो कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। उसके 2 दिन पहले कौन सा वार होगा? शुक्र होगा। कौन सा वार होगा? शुक्र होगा। उसके 3 दिन पहले कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। और उसके 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। तो कितने दिन पहले का पूछा अपन को? 4 दिन पहले, यानी कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बुधवार। और बुधवार किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। तो बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासों पर कुछ अंकों को दर्शाया है। यदि पासा संख्या 2 के ऊपर की सतह पर 5 अंकित हो तो नीचे की सतह पर अंक क्या होगा? यानी कि दोस्तों, ये दूसरा पासा है, इसकी ऊपरी सतह पर 5 अंकित किया गया है, और जैसे इसकी अपोजिट यानी कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये अपन को क्या करना है? बताना है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं, दोनों पासों में अपन देखते हैं कॉमन कौन सी संख्या है। कॉमन संख्या है 1। कौन सी संख्या है? 1। तो दोस्तों, इससे 1 से राइट की साइड चलेंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। इससे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आ गया, और इस साइड में दूसरे पासे में कौन सा आएगा? 5 आएगा। यानी कि 2 के अपोजिट तो क्या हो गया? 5 हो गया। 1 के अपोजिट क्या हो गया? 1 हो गया। और इससे राइट की साइड चलने पर 3 आएगा, और इससे राइट साइड चलने पर 4 आएगा। यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। तो अपन को पूछा है 5 के अपोजिट दिशा यानी कि नीचे की ओर कौन सा संख्या आएगी, तो वह संख्या कौन सी होगी? 2। और 2 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जी ओ बराबर 32 उसी प्रकार एस एच ई बराबर 49 हो तो एस ओ एम ई का कोड क्या होगा? तो दोस्तों, किसका कोड बताना है अपन को? एस ओ एम ई का कोड बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं ITBP, CISF, CRPF, BSF के लिए, जैसे ट्रेडमैन है, एनिमल है, ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए 10 अति महत्वपूर्ण रीजनिंग के पर्सन लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली प्रत्येक एग्जाम में रीजनिंग के रिलेटेड इन्हीं पर्सनों में से ज़्यादा पर्सन रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये कैसे होगा ये हल? दोस्तों, अगर अपन जी कितने पर आता है? 7 पर आता है। उसी प्रकार ओ कितने पर आता है? 15 पर। 7 और 15 कितना होता है? 22 होता है। यानी कि ये ऐसे तो हल नहीं किया गया है। दूसरा तरीका लगाते हैं अपन, यानी कि जी का उल्टा क्या होता है? टी होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? ए। यानी कि विपरीत बताना है। यानी कि जी का विपरीत तो क्या होता है? टी होता है, और ओ का विपरीत क्या होता है? एल होता है। टी कितने पे आता है? 20 पर आता है, और एल कितने पर आता है? 12 पर आता है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 32, यानी कि 32 हो गया, और अपन को क्या दिया गया है? 32 ही दिया गया है। तो उसी प्रकार अपन देख लेते हैं, एस का उल्टा क्या होगा? एच होगा। एच का उल्टा एस होगा, और क्या दिया गया है? ई दिया गया है। तो ई का उल्टा क्या होगा? वी होगा। तो इनका योग क्या होगा? एच आता है 8 पर, एस आता है 19 पर, और वी आता है 22 पर। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 30, 40 और 49, और वहाँ पर भी अपन को कितना दिया गया है? 49 ही दिया गया है। उसी प्रकार हम देखेंगे एस ओ एम का,
किसका देखेंगे, SOME का। तो S का उल्टा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। O का उल्टा क्या होगा, L होगा। M का उल्टा क्या होगा, यानी कि विपरीत क्या होगा, N होगा। और E का उल्टा क्या हो जाएगा, E का उल्टा क्या होगा, V होगा। और इनका कितने नंबर पर आते हैं, H आता है 8 नंबर पर आता है, प्लस L कितने पर आता है, 12 पर आता है, प्लस N कितने पर आता है, 14 पर आता है, प्लस और V कितने पर आता है, 22 पर आता है। इनका योग क्या हो जाएगा, 8 और 12 20, 20 और 14 34, 34 में 2 प्लस किया तो 36, 36 में 20 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 56। क्या होगा, SOME का कोड क्या होगा, 56 होगा। और 56 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। यानी कि जी कितने, जी का विपरीत अंक क्या होगा दोस्तों, अपन को क्या होगा, टी होगा। ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। और इन्हीं इनके अंकों का क्या किया है, योग किया गया है। यानी टी आता है 20 पर और एल आता है 12 पर, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसी प्रकार एस का उल्टा होगा एच, और एच का उल्टा होगा एस, ई का उल्टा होगा वी। तो इनका योग, एच आता है 8 पर आता है, एस आता है 19 पर आता है, और वी आता है 22 पर आएगा। तो इनका योग क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसी प्रकार एस का उल्टा क्या होगा, एच होगा। ओ का उल्टा क्या होगा, एल होगा। एम का उल्टा क्या होगा, एन होगा। और ई का विपरीत अंक क्या होगा, वी होगा। और इनका योग क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पर्सन का सही वेन आरेख बताइए। यानी जो नीचे पर्सन दिया गया है उसका क्या बताना है, सही वेन आरेख बताना है। पर्सन क्या दिया गया है, पुलिस, चोर, अपराधी। पुलिस, चोर, अपराधी का क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो दोस्तों ये है चोर, सभी चोर किसके अंतर्गत आते हैं, अपराधी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि चोरी करना भी क्या होता है, अपराधी होता है। और जो पुलिस है वह अलग हो जाएगा, यानी कि पुलिस ना तो अपराध करता है और न ही चोरी करता है। तो किस ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आ रहे कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वेन आरेख से रिलेटेड भी प्रत्येक एग्जाम में एक एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जो विकल्प दिया गया है उसमें संबंधित संख्या को चुनना है। श्रृंखला दी गई है 24:126, समानुपात 48:65। तो दोस्तों जो संबंध 24 और 126 में है वही संबंध होना चाहिए 48 और प्रश्नवाचक के स्थान पर, जो संख्या आएगी उसमें भी वही संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे हल होगा ये, तो दोस्तों मैं इसे आसान से आसान तरीके से मैं आपको हल करके बताता हूँ आपको। दोस्तों जो ये 24 बना है वह कैसे बना है, तो दोस्तों ये 24 बना है 5 का स्क्वायर -1। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। उसी प्रकार 126 बना है 5 का क्यूब + 1, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, 126 हो जाएगा। उसी प्रकार जो ये 48 बना है उसमें बनेगा 7 का स्क्वायर -1, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसमें से -1 करेंगे तो कितना होगा, 48। उसी प्रकार 7 का क्यूब + 1, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 343 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 344। और 344 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 344 आएगी। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ आपको, यानी कि 24 बना है 5 का स्क्वायर -1 बना है, उसी प्रकार 126 बना है वह 5 का क्यूब + 1 किया गया है, फिर 48 बना है वह बना है 7 का स्क्वायर -1 बना है, और प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 7 का क्यूब + 1 होगा। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 344। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5:2 = 27 तथा 3:5 = 14 तब 6:4 = क्या होगा।
ये बताना है भाई, 6 स्टार 4 बराबर क्या होगा? जैसे ये 5 स्टार 2 का 27 बनाया गया है और ये 3 स्टार 5 का 14 बनाया गया है, उसी प्रकार ये 6 स्टार 4 का क्या बनेगा? ये अपन को क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों बताइए कैसे होगा ये प्रश्न हल। तो दोस्तों इसे मैं आसान से आसान ट्रिक से बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, 5 × 5 + 2 = 25, 25 + 2 कितना हो गया, 27 हो गया। उसी प्रकार 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया + 5, यानी कि जो स्टार के आगे की संख्या है उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, यानी कि प्लस किया गया है। और जो पहले की संख्या है, जैसे ये 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, उसको उसका स्क्वायर कर लो या फिर उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 5 × 5 = 3 × 3 = 6 × 6, तो इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 9 + 5 कितना हो गया, 14 हो गया। उसी प्रकार 6 × 6 + 4, तो 6 × 6 कितना हो गया, 36, 36 में + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 40 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, यानी कि किया गया है 5 * 2 = 27, 3 * 5 = 14, तो 6 * 4 = क्या होगा? तो दोस्तों इस 5 का क्या किया गया है, स्क्वायर प्लस 2 किया गया है, तो 5 का स्क्वायर 25 + 2 कितना हो गया, 27। फिर 3 का क्या किया गया है, स्क्वायर + 5 किया गया है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर + 4, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 + 4 कितना होगा, 40, तो 40 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पूर्व दिशा में है, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? क्या बताना है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों ये होती है अपनी क्या, दिशाएं। इधर होता है पूर्व, पूर्व के विपरीत क्या होता है, पश्चिम, ऊपर की ओर होता है उत्तर, और नीचे की ओर क्या होता है, दक्षिण। ये क्या हो गई, दिशा हो गई। और अपन को क्या बोला है, अमित अमित है जो, ये रहा अमित, यहाँ से चल रहा पूर्व दिशा की ओर, कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर चलने के बाद वह क्या करता है, वह बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं ओर मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में कितना मुड़ेगा वो, 5 किलोमीटर चलेगा, कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चलता है, अब भी किधर मुड़ेंगे अपन, घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में कितना चलेंगे हम, 15 किलोमीटर, ये चल दिए 15 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया। कौन पहुँच गया, अमित यहाँ तक पहुँच गया। अब पूछा है अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये रहा प्रारंभिक स्थान, अब कहाँ पर है, यहाँ पर है, और बताना क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी, तो इन दोनों के मध्य की दूरी जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी, क्योंकि ये भी सेम है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगी, तो कितनी होगी, 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रश्न में लुप्त संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जैसे कि ये वाई की आकृति दी गई है, तो एक कोने पर लिखा गया है 10, एक पर लिखा गया 18, फिर नीचे लिखा गया है 64, इधर लिखा गया 12, 23, 121, यहाँ पे लिखा गया 16, 33, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये अपन को बताना है। तो दोस्तों कैसे होगा ये हल, अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो कितना होगा, 28, तो 28 यहाँ पे 28 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 64 है, ये तरीका इसमें नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसमें क्या लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है,
आठ है, और आठ का स्क्वायर यानी कि एक मिनट, इन दोनों का डिफरेंस आठ है और आठ का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, जिसे कि ये 64 बना हुआ है। उसी प्रकार इन दोनों का अंतर क्या होगा, 23 में से 12 माइनस किया तो क्या होगा, 11, और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होगा। उसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 17, यानी 33 में से 16 माइनस किया तो क्या होगा, 17 और बच जाएगा, और 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289, कितना होगा, 289। तो जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे कितना आना चाहिए, 289, और 289 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों फिर से रिपीट करवाता हूँ आपको एक बार फिर से, जिससे कि कन्फर्म ये समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, इन दोनों अंकों का डिफरेंस लिया गया है, यानी कि इनका अंतर क्या होगा, 8 होगा, और 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों का अंतर क्या है, 11 है, और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121। फिर इन दोनों का डिफरेंस है 17, 17 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, 17 का स्क्वायर क्या होता, 289। तो 289 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17:19 समानुपात 47:%वाचक चिन्ह। तो दोस्तों इस पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना अपन को। जो संबंध 17 और 19 के मध्य है वही संबंध होना चाहिए 47:%वाचक के स्थान पर, जो संख्या है ये उन दोनों के मध्य वही संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों कैसे होगा ये हल बताइएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, और हमें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आता हूँ ITBP, CISF, CRPF, BSF के लिए, जो ट्रेडमैन होता है, एनिमल है, ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए मैं रीजनिंग के पर्सन लेके आता हूँ, और दोस्तों ये पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके आता हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं पर्सन की ओर लेके चलता हूँ, कैसे होगा ये हल बताओ दोस्तों, कैसे होगा ये हल बताओ बताओ, देखिए कैसे हो जाएगा ये हल। ये दोस्तों हल होगा ये जो ये 17 है, 17 क्या है, 17 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी कि अभाज्य संख्या है, और 17 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 19 आएगी, क्योंकि जो 18 संख्या है 18 में 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, यानी कि वह अभाज्य संख्या नहीं। तो 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 19 है। तो जो यहाँ पे 47 दिया गया है तो 47 से जस्ट अगली अभाज्य संख्या, संख्या नहीं बतानी है, अभाज्य संख्या बतानी है, जिसमें वह संख्या बतानी है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो जो 48 है वह अभाज्य नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, और 52 भी नहीं है। तो जो 53 है, 53 है उसमें न तो किसी संख्या का भाग जाता, केवल एक और 53 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर 53, तो 53 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दिया गया अभाज्य संख्या, तो 17 से नेक्स्ट अगली अभाज्य संख्या है 19, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या दिया गया है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 53, और 53 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे अलग है, यानी कि विषम का चयन करना है, यानी कि अलग कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिया गया ईरान, भूटान, बांग्लादेश और भारत। दोस्तों इसमें से भिन्न कौन सा होगा, तो दोस्तों इसमें से भिन्न हो जाएगा ईरान। तो दोस्तों अगर आप पूछोगे कि यानी कि ईरान को ही विषम क्यों चुना या अलग क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों भूटान,
बांग्लादेश और भारत सार्क के सदस्य हैं, यानी कि ये तीनों क्या हैं, सार्क के सदस्य हैं, लेकिन ईरान इनमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश है, और 8 कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीप है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ये 8 देश इसमें शामिल हैं, लेकिन जो ईरान है इनमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ईरान होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, जो आपकी आने वाले पढ़ते एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।